सपना जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सपना। सबसे पहले तो हटजा ताऊ किस तरह का गाना है, और थोड़ा सा अगर उस गाने के बारे में बता पाए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? हटजा ताऊ थर्ड नंबर पे ट्रेंडिंग पे है और मैं बहुत खुश हूँ। गाना बहुत अच्छा और आप लोगों को पसंद आ रहा है, उससे भी अच्छी कोई बात नहीं है। और फिल्म भी देखना, ज़्यादा लोग मत देख के आना, मेरी ज़्यादा देख के आना, गाना देख लिया बहुत नहीं बाबा, आप देख के आना, क्योंकि प्रोड्यूसर ने बहुत मेहनत की है। जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं चंदन सर, वो मेरे बहुत क्लोज हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं मेरे, तो बहुत बहुत मेहनत की है उन्होंने इस फिल्म के लिए, और मैं दिल से चाहती हूँ कि बहुत हिट। अगर कोई भी आपको प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच करता है तो क्या थॉट प्रोसेस रहता है, और क्या मतलब खास चीज़ें देखते हैं उस गाने में या फिर उस प्रोजेक्ट में साइन करने से पहले? मैं उस प्रोजेक्ट में एज अ ऑडियंस देखती हूँ कि अगर मैं एक ऑडियंस के नाते इस चीज़ को सुनती देखती तो मुझे कैसा लगता, उसी के तरीके से मैं काम करती हूँ कि अगर मुझे अच्छा लगेगा तो दूसरों को अच्छा लगेगा, और मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा तो दूसरे नहीं सुनेंगे। तो और जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था आपको कि बिग बॉस के फ्रेंड्स से कितने मुलाकात होती है, और जैसे हिना आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, तो उनसे कितने बार मुलाकात हुई? हिना से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हाँ कंटिन्यू बातें होती रहती है। अभी उसने मुझे वैलेंटाइन विश किया था, बड़े प्यार से उसने मुझे बोला कि कोई तुझे मिल जाए इस साल प्यार करने वाला, तो मुझे बहुत हंसी आई। लेकिन मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ कि उसे रोक के मिला, और सच में वो दोनों बहुत एक दूसरे को प्यार करते हैं, हमेशा वो साथ रहे। हिना से मुलाकात मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए बड़ा सा सरप्राइज गिफ्ट लेके जाऊँ, तभी वो उससे मिलेगी। और अगर हम फिल्मों की बात करें तो ऐसा कोई जॉनर है जिसमें आप खुद को मतलब पहली बार, जैसे कि कोई सोचता है कि मैं लव स्टोरी के साथ बॉलीवुड में एंट्री करूंगी या फिर एक्शन के साथ करूंगी, आपने क्या सोचा है, ऐसा कुछ प्लान है आपका? हाँ, मेरा भी प्लान है कि मैं एक एक्शन स्टोरी के साथ ही करूँ, क्योंकि आपने मुझे डांस करते हुए देखा है। मैं बहुत, कोई लोग कहते हैं कि आप मासूम से हैं, अभी मैं आने लग रही थी तो एक लेडी मुझे बोली स्माइल करो आप स्टार हो, मैंने बोला नहीं, आई की स्माइल झड़ गई, टायर्ड हो गए काम कर करके। तो जब चीज़ें सुनते हैं देखते हैं तो कभी कभी लगता है कि करते रहना चाहिए, कंटिन्यू करते रहना चाहिए, कभी लगता है यार बस कर देना चाहिए, तो चलता रहता है कि हाँ ना हाँ ना हाँ ना। और कितनी मेहनत चल रही है खास करके फिजिक पे या फिर बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए? बस पूछिए मत, अभी जो मेहनत चल रही है सारा शरीर दुख रहा है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि अभी नहीं बता सकती, बाकी आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा प्रिया प्रकाश वारियर करके जो एक लड़की है वो? हाँ, मैंने देखा, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन है उसके, और सच में मुझे बहुत बहुत अच्छे लगे। अगर माधुरी जी के बाद मुझे किसी के एक्सप्रेशन पसंद आए तो रियल में बहुत बहुत प्यारे एक्सप्रेशन थे। दीपिका मैम को भी वो, उन्होंने तो बहुत 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 प्यारा किया। राइट। और इसके अलावा जैसे आपने कहा कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि एल्बम आने वाला है या फिर फिल्म आने वाली है, अगर ऑडियंस को थोड़ा सा हिंट देना चाहे? हाँ, दोनों चीज़ें आने वाली है। ओके, थैंक यू। दोनों चीज़ें, और एक छोटी सी कोशिश की है भाई के लिए भी, कोशिश कर रही हूँ। सब मुझे बोलते थे कि अपने भाई के लिए कुछ कीजिए, और भाई को बेसिकली नहीं थी इस चीज़ की लगन, लेकिन मैंने उसको भी फोर्स करके एक गाना है हरियाणवी टोक, उसमें कोशिश की है कि वो बहुत 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 उसने मेहनत की है, और 21 तारीख को हम उस गाने को लॉन्च करेंगे। अब बनता भी है, मैं इधर आ रही हूँ तो वहाँ पे भी तो किसी को छोड़ना बनता है तो ज़रूरी भी हो गया था कि हरियाणा में एक को और छोड़ दो, खुला छोड़ दो, मैं यहाँ आ जाऊँगी उसको वहाँ खुला छोड़ दूँगी। 21 तारीख को गाना लॉन्च करेंगे, टॉक टाइटल है, और कोशिश की है कि हरियाणा में अब की बार बहुत अच्छी वीडियो, बेसिकली हमारी टीम ने डायरेक्शन दी है, मैंने, फरिश्ता ने काम किया है, तो पूरी टीम ने कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा बनाया है, और कोशिश की है कि बहुत अच्छा, मतलब अब की बार हरियाणा में बहुत अच्छी फिल्मिंग चल भी रही है, फिलहाल सारी वीडियोज़ अच्छी निकल रही हैं, तो वो कोशिश की है, बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगी लेकिन हाँ मेरे ख्याल से तो अच्छी वीडियो आई, बहुत अच्छी।
करण का जो न्यू सॉन्ग है वो तो ऑलरेडी आ चुका है सबके सामने, उसके लिए क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं आपको? उसके लिए ही बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मम्मी के पास जब पहले कॉल्स आते थे तो मेरे लिए आते थे, सपना से बात करा दीजिए, आंटी कैसी हैं सपना, तो मम्मी के पास अब करण के लिए फ़ोन आना शुरू हो गया है। आपके बेटे का टीज़र आ गया है, आपके बेटे का गाना आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। अब भाई के लिए मैं सुनती हूँ, बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है भाई ने, बहुत अच्छा काम किया है, तो अच्छा तो लगता है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।